है। संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें संपूर्ण शक्ति का संविधान के द्वारा केंद्र तथा इकाई राज्यों या प्रांतों में विभाजित कर दिया जाता है। इस प्रकार इसमें दोहरा शासन होता है। अन्य शब्दों में केंद्र पूरे देश पर शासन करता है, जबकि इकाई राज्यों का अधिकार क्षेत्र संविधान द्वारा निर्धारित देश का एक निश्चित भूभाग होता है। केंद्र व राज्यों को संविधान से शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे देश के अंदर शक्तियों का बंटवारा कर रखा है। केंद्र का मतलब देश में और राज्यों का मतलब राज्य ही है कि राज्यों के अंदर शक्ति का बंटवारा हो रखा है। जैसे केंद्र में हो रखा है प्रधानमंत्री शासन चलाते हैं, राज्य के अंदर मुख्यमंत्री शासन चलाते हैं। इसी को जो शक्तियों के बंटवारे को ही हम संघवाद का नाम देते हैं। इसकी परिभाषा जो कि हैमिल्टन के ने दी है, हैमिल्टन के अनुसार इसमें कुछ स्वतंत्र राज्यों के संघ से एक नए राज्य को बनाया जाता है। मेन बात यह है कि संघवाद का मतलब क्या है, शक्तियों का बंटवारा जो कि केंद्र में राज्यों में या प्रांतों में बांट दिया जाता है। टॉपिक टू है भारत के संविधान का स्वरूप संघात्मक है। इसका अब इसमें कैसे पता चलेगा, भारत एक संघात्मक राज्य है या देश है। इसमें हम पढ़ते हैं भारत के संविधान का स्वरूप संघात्मक है, ये निम्न बातों पर स्पष्ट होता है। जैसे कि पहला पॉइंट है संविधान में शक्तियों का विभाजन, यानी कि जहाँ जिस संविधान में शक्तियों के विभाजन के बारे में लिखा होता है उस देश को हम संघात्मक कह सकते हैं, जैसे कि भारत है। संघीय शासन की विशिष्ट आवश्यकता यह है कि राज्य की शक्तियों का केंद्र व राज्यों में विभाजन किया जाए और इन शक्तियों की उत्पत्ति व नियंत्रण संविधान के द्वारा हो, और यह विशेषता भारत देश में शामिल है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि भारत के संविधान का स्वरूप संघात्मक है, क्योंकि भारत के अंदर शक्तियों का विभाजन हो रखा है। केंद्र में प्रधानमंत्री शासन करता है और राज्य में मुख्यमंत्री। सेकंड पॉइंट है संविधान की सर्वोच्चता, यानी कि हमारे देश के अंदर संविधान की सर्वोच्चता देखी जाती है, संविधान को ज़्यादा उच्च दर्जा दिया जाता है। संघीय संविधान में केंद्र व राज्य दोनों का निर्माण संविधान करता है और दोनों अपनी शक्तियाँ संविधान से प्राप्त करते हैं। राज्य सरकारें ना केंद्र द्वारा निर्मित होती है और ना अपनी शक्तियों के लिए केंद्र पर निर्भर करती है। संघात्मक राज्य में संविधान देश की सर्वोच्च विधि होती है, क्योंकि इसमें ही केंद्र व राज्यों की शक्तियों का वर्णन होता है और कोई भी सरकार संविधान में दी गई अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकती। भारतीय संविधान सर्वोच्च है और शासन के विभिन्न अंग उससे शक्तियाँ प्राप्त करते हैं, यानी कि केंद्र व राज्यों के अंदर जो भी शक्तियों का बंटवारा होता है या बनाए जो निर्माण किया जाता है केंद्र व राज्यों का, वो संविधान में लिखित है पहले से। क्योंकि केंद्र व राज्यों के अंदर शक्तियों का बंटवारा या उसका बनना इसलिए तय है क्योंकि वह संविधान में पहले से ही लिखा हुआ है, इसलिए संविधान की सर्वोच्चता बहुत मायने रखती है। तीसरा पॉइंट है लिखित संविधान। भारतीय संविधान कठोर एवं लचीला है, इसका कारण इसका लिखित रूप है जो भारतीय संविधान को मजबूत बनाता है। इसका कारण यह है कि यदि इसका आधार आपसी समझौता होता तो झगड़े रगड़े पैदा होते। भारतीय संविधान लिखित है और उसकी सुरक्षा का भार न्यायालय को प्राप्त है, यानी कि भारत का जो संविधान है वो लिखा हुआ है। बहुत से देश ऐसे हैं जहाँ पर संविधान लिखा हुआ नहीं होता, और भारत का संविधान लिखित होने की वजह से कठोर भी है, यानी कि उस पर अमल किया जाता है, और लचीला भी है, यानी कि उसमें संशोधन के द्वारा उसको बदला भी जा सकता है। चौथा पॉइंट है संविधान की कठोरता। संविधान देश की सर्वोच्च विधि है और वह लिखित है, तो स्वाभाविक ही है वह कठोर भी होगा। संविधान के प्रावधानों को बदलने की विधि अवश्य कठोर होती है या होगी। इसका संशोधन जिस प्रकार किया जा सकता है उसका उल्लेख संविधान में ही कर दिया जाता है, यानी कि भारतीय संविधान लिखित है और सर्वोच्च भी है, इसलिए वो कठोर भी है। और भारतीय संविधान पर्याप्त कठोर है क्योंकि संघात्मक अवस्थाओं में राज्यों की सहमति के बिना संशोधन नहीं किया जा सकता, यानी कि भारतीय संविधान में संशोधन आसानी से हो जाता है पर इसमें कुछ सहमति का होना भी ज़रूरी है। इस प्रकार से हमने पढ़ा कि भारतीय संविधान में
या कोई सा भी देश पता कैसे चलेगा कि वह संघात्मक है जब उसमें कुछ बातें ये वाली हों, जैसे कि संविधान में शक्तियों का विभाजन हो, संविधान की सर्वोच्चता, लिखित संविधान, संविधान की कठोरता। अब हमारा थर्ड टॉपिक है भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षणों का वर्णन करें। कैसे पता चलेगा कि भारतीय संविधान एकात्मक की ओर, एक की ओर झुकाव रखता है, यानी कि राष्ट्रपति की ओर, राष्ट्रपति की साइन के बिना कुछ भी आगे फाइल नहीं बढ़ पाती है या कानून नहीं बन पाता है। पहला पॉइंट है इसका राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, यानी कि इमरजेंसी में जो शक्तियाँ यूज़ होती हैं। राष्ट्रपति की अधिकार, राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि वह देश में आए संकट के समय आपातकालीन स्थिति की घोषणा कर दे और देश का संघात्मक व्यवहारिक स्वरूप समाप्त करके एकात्मक शासन के गुणों से युक्त शासन स्थापित कर दे। यह एक बहुत बड़ी व्यवस्था है जिसके द्वारा आपातकाल में देश को एक सूत्र में बांधने के लिए एकात्मक शासन के गुण प्राप्त किए जा सके। इसका मतलब ये है कि जब देश के अंदर आपातकालीन स्थिति पैदा हो जाती है, देश में संकट आ जाता है, तब प्रधानमंत्री को जो शक्तियाँ दी गई है, सारी की सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति ही यूज़ करता है उस समय में, आपातकाल के समय में। यानी कि जो शक्तियों का बंटवारा हमने संघात्मक में पढ़ा था कि शक्तियों का बंटवारा हो रखा है, मुख्यमंत्री को मिल जाती है कुछ, प्रधानमंत्री को, पर आपातकाल के दौरान सारी की सारी शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति ही करता है। सेकंड पॉइंट है विषयों की सूचियों पर केंद्र का अधिकार होता है। केंद्र व राज्यों में शक्ति विभाजन के लिए तीन सूचियाँ बनाई गई है, पहला संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा संवर्ती सूची। पहला संघ सूची में अंकित विषयों पर तो केंद्र का अधिकार है, यानी कि संघ सूची पर किसका अधिकार है, केंद्र का, केंद्र मतलब प्रधानमंत्री। सेकंड है संवर्ती सूची, संवर्ती सूची में केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, किंतु यदि एक ही विषय पर केंद्र व राज्य दोनों कानून बना दें और दोनों के कानून में विरोध हो तो ऐसी अवस्था में केंद्र का कानून मान्य होगा और राज्य कानून विरोध की सीमा तक रद्द समझा जाएगा। और तीसरा है राज्यों की सूची पर साधारण अवस्था में केंद्र कानून नहीं बना सकता। ये तो उसका सी पॉइंट था। अब हमारा थर्ड पॉइंट है अवशिष्ट विषय केंद्र के पास, ऐसे विषय जो बच जाते हैं। वे वैसे तो विषयों की तीनों सूचियों में सभी विषयों को शामिल किया गया है, यदि कोई नया विषय निकल आता है तो उसे अवशिष्ट विषय कहते हैं। इस प्रकार अवशिष्ट विषयों पर भी केंद्र को प्राथमिकता दी जाती है, यानी कि तीन सूची हैं, तीन सूची के अलावा अगर कोई विषय सामने आता है तो हम उसे अवशिष्ट विषय की सूची में डाल देते हैं। फोर्थ पॉइंट है दोहरी नागरिकता का अभाव। संसद के ज़्यादातर देशों में दोहरी नागरिकता का प्रचलन है। इन दो देशों में एक नागरिक एक ही समय में संघ शासन का भी नागरिक होता है, साथ ही राज्य सरकार का भी, परंतु भारतीय संविधान में इकहरी नागरिकता है। किसी भी इकाई राज्य का रहने वाला व्यक्ति केवल भारत का नागरिक होता है जम्मू कश्मीर को छोड़कर, यानी कि पूरे के पूरे देश में, हमारे भारत देश के अंदर एक ही नागरिकता सभी को मिली हुई है जो है भारतीय, सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़कर। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर के व्यक्तियों को एक तो जम्मू कश्मीर की नागरिकता प्राप्त है और दूसरी भारतीय की, यानी कि इस प्रकार से वहाँ पर दो नागरिकता है। पांचवा पॉइंट है न्यायपालिका की एकरूपता। भारत देश में न्याय के श्रेष्ठ में सर्वोच्च न्यायालय को श्रेष्ठ माना गया है। सारे देश में न्याय का ढांचा एक समान है। अन्य किसी देश में जहाँ संघात्मक संविधान है न्याय विभाग की ऐसी एकरूपता नहीं मिलती, यानी कि न्यायपालिका के अंदर एकरूपता देखी जाती है। छठा पॉइंट है राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति को राज्यपालों की नियुक्ति का अधिकार देना, राज्यों पर केंद्र के प्रमुख की वृद्धि करना, राज्यपाल ही केवल राष्ट्रपति उसके पद से हटा सकता है, राष्ट्रपति ही हटा सकता है राज्यपाल को उसके पद से। अब हमारा चौथा टॉपिक है भारतीय संविधान में वर्णित तीन सूचियों के बारे में बताइए। पहली सूची है संघ सूची, इसमें 98 विषय हैं। इसका संबंध संपूर्ण देश से है। इनमें निम्न मुख्य हैं, केंद्र कानून, इसमें केंद्र कानून बनाता है। निम्न मुख्य के अंदर है, यानी कि कौन कौन सी चीज़ मुख्य है, सुरक्षा,
युद्ध, रेल, वायुयान आदि। सेकंड है राज्य सूची, इसमें राज्य कानून बनाता है, इसमें 65 विषय हैं, इसमें मुख्य निम्न हैं पुलिस, न्याय, जेल, वन आदि। फिर है समवर्ती सूची, इसमें राज्य केंद्र दोनों कानून बनाते हैं, इसमें 52 विषय हैं, इसमें मुख्य निम्न हैं नज़रबंदी, कानून, छापेखाने, समाचार पत्र आदि। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिफ्थ, योजना आयोग के बारे में बताइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1950 में योजना आयोग का गठन किया था। इसके कार्य निम्न हैं, पहला है देश के संसाधनों के उपयोग की व्यवस्था करना जिससे विकास की दर में वृद्धि हो तथा जीवन स्तर ऊंचा उठे, और सेकंड है यह आयोग देश के लिए योजना बनाता है जिसे पूरा करने का कार्य राज्यों का है, यानी यही है योजना आयोग। इस टॉपिक के अंदर इन जो टॉपिक मैंने बोले हैं, जो लिखे हैं इसके अंदर, इन सबको, ये पार्ट वन है संघवाद का, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है इसके अंदर। इसको तुम पढ़ के जाकर एग्ज़ाम पूरा करके आ सकते हो, इसको ज़रूर पढ़ के जाएं। और